अरे जुए कैसी तैसी पाई पाई हार गया। आई प्रॉमिस यू कैन नेवर विन, तू कभी जीत नहीं सकता। क्या बात करता है यार, एक दिन वो आएगा कि तेरे यार के पास होंगे तीन इक्के और सामने वाले रईस के पास होंगे तीन बादशाह। 70-80 हजार की चोट दूंगा एक साथ, फिर एक बंगला लूंगा, एक मोटर लूंगा, दो चार बीवी, एक बच्चा, नहीं बीवी एक ही काफी है, दो चार बच्चे, फिर बच्चे कहेंगे डैडी, बीवी कहेगी डार्लिंग, डार्लिंग के बच्चे, चल जल्दी चल, कहाँ जाने का है? थे 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 कथे, नहीं समझा? नहीं भाई, चांद के वहां चल, वहां क्या मजा आता है तुझे? तुझे यहाँ क्या मजा आता है भाई? ये तो बिजनेस है, नोट से नोट लड़ते हैं मैदान में, वहां जो गवाने का है ना यहाँ लगा दे भाई, माल तेरा खेल मेरा, रुपए पे एक आना कमीशन देना। अरे चल जल्दी चल, रात ज्यादा हो रही है, कहीं चांद के साथ चांदनी ना गायब हो जाए। ये दुनिया बड़ी बेवफा हो गई, यहाँ बेवफाई अदा हो गई, न जाने जमाने को क्या हो गया, मुहब्बत जहाँ से फना हो गई, दवा दे के न जइयो, दवा दे के न जइयो, बलम परदेसी दवा दे के न जइयो, बलम परदेसी दवा दे के न जइयो, बलम परदेसी ओ सजन परदेसी दवा दे के न जइयो, बलम परदेसी दवा दे के न जइयो। मोहब्बत में दवा अच्छा नहीं है, ये अंदाज़े जफा अच्छा नहीं है, वफा का नाम रुसवा हो न जाए, मोहब्बत एक तमाशा परदेसी दवा दे के न जइयो, बलम परदेसी दवा दे के न जइयो। लगा कर दिल निभाना फर्ज होगा, लहद तक साथ जाना फर्ज होगा, जो ये मंजूर है दिल लीजिएगा, समझ कर सोच कर हाँ कीजिएगा, जो ये मंजूर है दिल लीजिएगा, समझ कर सोच कर हाँ कीजिएगा, झूठी बतियाँ न कहियो,
पतिया न कहियो बलम पर देसी दवा दे के न जइयो बलम पर देसी दवा दे के न जइयो बलम पर देसी ओ सजन पर देसी दवा दे के न जइयो बलम पर देसी दवा दे के न जइयो साहब 12 बज चुके हैं अब कब तक बरखुरदार की बार देखिएगा क्या बताओ महाराज मैं तो तंग आ गया हूं इस नालायक से अजी प्राचीन काल में जब राजपूत शत्रुओं से युद्ध करने जाया करते थे तो शादी ब्याह थोड़ी रुका करते थे क्या मतलब लड़के की तस्वीर के साथ गठबंधन हो जाया करते थे ऐसे वक्तों में बिल्कुल ठीक कहा आपने तो फिर मंगवाइए बरखुरदार का चित्र वरना ये केक मेज पर पड़ा पड़ा बासी हो जाएगा छोटे सरकार की तस्वीर यहाँ लाओ अरे जालिम अब वो बात तो बता जिसके लिए मुझे चांद के पास से उठा लाया बता दूँ हाँ। अच्छा बता देता हूँ यार तू भी क्या याद करेगा आज तेरी सालगिरह है हैप्पी बर्थडे टू यू मार डाला डैडी ने कहा था 7:30 बजे पहुँच जाना और अब 12 बजने वाले हैं यार बद्री तू भी मेरे साथ चल और ना आज डैडी मुझे खा जाएंगे ए भाई तुझे तो खा जाएंगे ना मुझे तो कच्चा ही चबा डालेंगे बुड्ढा तो अपनी सूरत देख के कहता है मेरा घर आ गया मुझे उतार दे हफ्ते बाद आए थे यो कोई बात नहीं सिर्फ 4.5 घंटे लेको हैप्पी बर्थडे टू यू लाइन क्लियर गए काम से माँ जी मैं माँ दिखती हूँ तुम्हारी नहीं नहीं कौन बोलता है चाची जी चाची के बच्चे तो फिर मौसी जी आग लगे तुम्हारी मौसी को भी आग लगी हाँ। तो फिर हाँ हाँ मालकन जी लैंड लेडी बहुत दिनों के बाद दर्शन हुआ आपके नहीं दर्शन के बच्चे आप समझती क्यों नहीं है बात यह है कि जब तक आपके दर्शन मुझे नहीं होते ना मेरी किस्मत ही नहीं पलटती है और अब तो आपको मेरे दर्शन हो गए मुझे आपके दर्शन हो गए अब तो दर्शन ही दर्शन हो गए अब तो किस्मत पलट गई समझ लो अच्छा मैं चलता हूँ हाँ मौसी जी फिर मौसी कहाँ है और फिर गलती वो बात यह है कि जरा नींद आ रही है इसलिए थोड़ी गड़बड़ हो रही है अच्छा मैं चलता हूँ हाँ जाओ जाऊं हाँ अरे चलो अच्छा किया बदकिस्मती के ताले पे खुशकिस्मती का ताला लगा दिया देखना जरूर वारे न्यारे हो जाएंगे और कोई ना कोई बड़ी चाल फंसेगी अब मार के रख दूंगा सामने वाले को अरे बद्री इतनी पसली है तेरी जो मार के रख दे सामने वाले को अरे पहलवान गए काम से पहलवान क्या है मालकन इसकी अच्छी तरह मरम्मत कर दो मुकदमा मैं भुगत लूंगी अबे कौन है बे तू ओ पहलवान पर मैंने कहा ही क्या है और क्या कहेगा तू सामने वाले को चाल में फंसा कर मारना चाहता है बदमाश अरे पर समझने की कोशिश करो मैडम ये चाल से मतलब पत्ते की चाल भैया पत्ते तुम खेलते हो ना ये तुम्हारे पास आ जाए अट्ठा नेला देला और मेरे पास फंस जाए लंगड़ी लंगड़ी हाँ मुझे लंगड़ी कहता है मैं तुझे ना लंगड़ा बना के छोड़ दूंगी निकल जाओ यहाँ से और सामान की जरूरत हो तो 10 दिन के अंदर अंदर ले जाना वरना मैं पहाड़ पे जा रही हूँ हवा पानी बदलने समझे समझ गया जरूर जाना चाहिए बहुत कमजोर हो गई चुप रहो मैं कहती हूँ चुप लेकिन एक मिनट प्लीज इस वक्त किसी पशु पंछी की आवाज आ रही है उनकी भी दुनिया है उस दुनिया में भी लेन देन चलता होगा लेकिन क्या मजा लेके रात को तकाजे हो लिहाजा पहलवानों और इंसानों हैवानों से सबक लो
और दरवाजा खोल दो ना। खोलता ना, निकलो यहाँ से पहलवान। जाता हूँ पहलवान, जाता हूँ मौसी। निकलो मौसी, चोर कहीं का। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. लो आगे। I'm so sorry everybody. मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। देखिए ना, सैर करने निकले, गाड़ी पंचर हो गई। अजी पंचर लगा, चले फिर पंचर हो गई। फिर चले और फिर पंचर हो गई। जी हाँ, जाने क्या दिन था आज का, तीन दफा गाड़ी पंचर हुई है। ये जन्मदिन गाड़ियों के लिए बड़ा मनहूस होता है, मेरी सालगिरह पर भी ऐसा ही हुआ था। भाई गौड़, भाई गौड़, I'm not joking. फिर भी मैं सच्चे दिल से आप लोगों से माफी मांगता हूँ। माफी के क्या बात है बरखुदार, ये लोग तो ठीक 10:30 बजे तुम्हें क्षमा करके भोजन पर बैठ गए थे, केवल हम और तुम्हारे पूज्य पिता भूखे बैठे। ओह डैडी, मुझे माफ कर दीजिए डैडी। मेरी खैर है बरखुदार, मेहमानों का तो ख्याल किया होता। रियली आई एम वेरी वेरी सॉरी डैडी। दिल्ली की सड़कों पर तुम्हारी गाड़ी अक्सर पंक्चर हो जाती है और अब तो दिन में 3-3 पंक्चर होने लगे। नहीं डैडी, सच कहता हूँ कि बैठो बैठो बैठो। इससे पहले कि मैं अपना तमाम कारोबार तुम्हारे हवाले करूं, मैं चाहता हूं कि तुम इन सड़कों से कहीं दूर चले जाओ 2-4 महीने के लिए। मैं आपका मतलब नहीं समझा डैडी। मेरा मतलब यह है कि अब कारोबार तुम्हें संभालना है और कारोबारी आदमी की गाड़ी सीधी चलनी चाहिए, उसे तुम्हारा नहीं दिल्ली की सड़कों का है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि 2-4 महीने के लिए तुम कहीं बाहर चले जाओ, वापसी पर तमाम सड़कें ठीक हो जाएंगी तुम्हारे लिए। जो हुक्म डैडी। कल शाम को 5 बजे तुम यहाँ से जाओगे, कहाँ ये तुम सोच लो। बहुत अच्छे डैडी। ये क्या कर रहे हो? I'm sorry, डैडी। मालूम होता है सड़कें बहुत ही खराब हो गई है। हाय दिल्ली, दिल्ली को कैसे छोड़ू। कौन क्या कौन है बद्री? अरे यार, इस वक्त तो परमात्मा ने तुझे यहाँ भेजा है। अरे परमात्मा ने नहीं, वो मोटी मकान मालकन ने भेजा है। मैं जाने कहाँ से उल्लू की आंखें मिल गई, उसे रात के 12-12 बजे तक पैरा भरती है कमबख्त। अरे गोली मार उसे। इधर तो बड़े सरकार ने मुझे 2 महीने का देश निकाला दे दिया। क्या मतलब? मतलब ये है कि कल शाम को 5 बजे मुझे यहाँ से रवाना होना पड़ेगा। कहाँ? यही तो समझ में नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो ऐसा कर, रामगढ़ के पहाड़ चला जा। फिर? मौसम भी अच्छा है, मौका भी अच्छा है। नहीं यार, हुआ मुझे नींद नहीं आएगी। क्यों? वहाँ चांद की ठुमरिया और रस भरी लोरियां कौन गाएगा? अबे वहाँ तो हर छत पे चांद निकलता है। शहरी चांद तो गर्द गुबार से मटियाला हो जाता है, लेकिन वहाँ का चांद निखरा हुआ होगा। ऐसा? तो चल तू भी तैयार हो जा। अच्छा, अकेले में तो रामगढ़ और काला पानी दोनों बराबर है मेरे लिए। जो हुकुम, मगर ये ले 200 रुपया रख। मालकिन मकान को भी दे देना और खुद भी तैयार हो जाना। कल 5 बजे निकलना है ना, मैं ठीक 4 बजे पहुंचता हूँ। और कहीं एक के बाद 6 के फेर में पड़ गए तो? अरे अब ये गुलाम किसी फेर में नहीं पड़ेगा। तेरे बदमाश की, इसलिए उतारी थी तस्वीर तूने। दमयंती बहन, दमयंती बहन, दमयंती बहन, अरे दमयंती बहन, जल्दी आओ जल्दी आओ। क्या हुआ? इस मुए बद्री ने तुम्हारे बच्चों को यतीम बना दिया है। मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, अब मैं क्या करूंगी? आखिर छोटे छोटे बच्चे। आए मेरे छोटे छोटे बच्चों का छोटा बाबा। अरे पर कौन मर गया, नाम तो बोलो ताकि मैं रोने में ठंडी मैं खिला सकूं। शर्म नहीं आती तुझे? दमयंती को मार डाला, उसके बच्चों को यतीम बना दिया और कहता है कौन मर गया। और पर दमयंती बहन तो ये क्या बैठी है, और इसके बच्चे तो बाहर कबड्डी खेल रहे हैं। पर तूने तो अपनी तरफ से मार डाला और 500 रुपए वसूल कर लिए इसी बात पर। देखो रोते हुए बच्चों की तस्वीर। गलती गलती। बात यह है मालकिन कि अगर मैं ऐसी तरकीब न लाता तो मेरी मौसी 5 रुपए, आई मीन टू से मामी 5 रुपए भी नहीं भेजती, इतनी कंजूस है वो। रुपए के बच्चे,
अगर तू इस बिल्डिंग में रहेगा तो ये सब बिल्डिंग की औरतों को बेवा बना के छोड़ेगा। क्यों झूठ बोलती हो, इनमें से दो तीन तो पहले से बेवा है। ओहो, साढ़े चार बज गए और कमबख्त अभी तक नहीं आया। अबे आ गया, नाम लिया और नमूदार, इसे कहते हैं दोस्ती। बे उल्लू की दुम दम, दोस्ती का भरतो और काम दुश्मनी का करतो। 100 बार कहा कि खिड़की से ना आया करो, मेरा दिल ढक से हो जाता है। अब तुम्हें तो मालूम है कि इस घर का अपने लिए दरवाजा बंद खिड़की चालू है। अब तुम ही बताओ कि दोस्ती निभाने के लिए चोरों की तरह ना हो तो फिर कैसे आओ? नहीं नहीं, कसम भगवान की, सारे हिंदुस्तान में जवाब नहीं है तेरा, एक नग हो। इसीलिए तो तुझे इतना प्यार करता हूँ मेरी जान। ऐसा प्यार महंगा पड़ेगा। अबे महंगी की क्या फिक्र, ये ले बटुआ। अगर डैडी को पता लग गया कि मेरे पास 2-2.5 हजार रुपया है तो खर्च में से उतना ही कम होगा। अरे डैडी तो क्या, अब तुमको भी नहीं मालूम होगा। क्या कहा? मेरा मतलब है परदेश में जितना भी रुपया हो कम पड़ता है। बेटा मर गए। अबे कौन है? मैं हूँ बद्री। बद्री तुम फिर यहाँ? मच्छर की जात मालूम होते हो, जहाँ से उड़ाए जाते हो वहाँ फिर पहुँच जाते हो। इंसुलेट न कीजिए राजेंद्र साहब, गुस्से को रसगुल्ला बना दीजिए, गर्मी को नरमी में तब्दील कर दीजिए। मैं यहाँ कभी ना था, हरगिज ना था, बिल्कुल ना था, कतई ना था, मगर मगर क्या? मगर मैंने बुलाया था डैडी। तुमने बुलाया है जी? क्या हमारे घर में और बीमारियां कम थी जो इस मुसीबत को दावत दी है? नहीं, बात यह है डैडी कि पहाड़ में अकेले रहना, अकेले घूमना फिरना जहर हो जाता है, इसलिए। बिल्कुल ठीक कहता है। फिर कभी इस घर में दिखाई दिए तो पुराने कैलेंडर की तरह इसी खिड़की से। मैं समझ गया, फेंक दिया जाऊंगा ना, मुझे प्रैक्टिस है बहादुर साहब। अच्छा मैं चलता हूं। मेरे बेटे के दोस्त ऐसे अहरे गहरे न तू खरे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अरे बेवकूफ, मैं श्री उद्धवदास एमए पीएचडी को बहसियत निगहबान और साथी के तुम्हारे साथ भेज रहा हूं। मर गए? क्या कहा? मैंने कहा राय बहादुर साहब। मेरा मतलब था वो आ गए। आज्ञा मिली कि सेवक उपस्थित हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बरखुरदार का हाथ आपके हाथ में देता हूँ, ये 2 महीने तक आपकी निगरानी में रहेगा। आप इससे सुधारिए, तब तक दिल्ली की सड़कें भी सुधर जाएंगी, जो दिन में 3-3 मरतबा इसकी मोटर पंक्चर कर देती है। आप चिंता न कीजिए, मेरे सत्संग से तो बड़े बड़ों का उद्धार हो गया है। जी हाँ, बरखुरदार की देखभाल में किसी प्रकार की त्रुटि न होगी, मुझे आपसे यही उम्मीद है। जी मोटर रोक लो, बोलो महाराज कुमार बोलते, आगे मत जाओ। जो आ गया सरकार। गाड़ी रोको, महाराज कुमार कहते आगे मत जाओ। महाराज कुमार? बात महाराज कुमार कहते हो तो आगे मत जाओ, रास्ता बहुत खतरनाक है। मार्ग भयुक्त है महाराज कुमार साहब, मगर जिस स्थान पर हम उपस्थित हैं वहां तो कोई भय नहीं। वहां तो कोई भय नहीं? हाँ हाँ हाँ, क्या भाषा है, ऐसा मालूम होता है कोई महाविद्वान हमारे पहाड़ में पधारे रहे हैं। दास उद्धवदास एम ए पी एच डी है महाराज कुमार साहब। ओ, लिटरेचर के मास्टर, साइकोलॉजी के प्रोफेसर, जिनकी आवाज सुनकर आधे हिंदुस्तान ने शराब छोड़ दिए। जी 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 महाराज कुमार साहब। अरे अरे मनोहर तुम? हेलो महाराज कुमार। महाराज कुमार? हाँ महाराज कुमार, वीर सिंह। आज से हम आपको महाराज कुमार परम वीर सिंह कहेंगे। अरे तुम इधर किधर निकल आए? तैयार कर ले को। कुछ पैसा वैसा तो नहीं लेकर आए हो ना? जी है, 10,000। 10,000? ओफो, यहाँ तो 2-4 खूनी चले आए हैं जो
दो दो रुपए के लिए पिस्तौल चला देते हैं। क्या होगा? आप ही पिस्तौल रख लीजिए। पिस्तौल? जिन हाथों में सर्वदा पिस्तौल नहीं हो महाराज कुमार साहब, उनमें पिस्तौल शोभा नहीं देता। ठीक है गुरुदेव, कहीं गोली वोली चल गई तो? नहीं नहीं, वो आप अपने पास ही रखिए। तो फिर अच्छा ये मैं रख लेता हूँ, और जोखम मुझे दे डालिए। जोखम? ये संभालिए, अब तो किसी प्रकार का भय नहीं रहा। अब काय का भय, आंख बंद करके चले जाइए। अच्छा मनो, टाटा, गांव में मिलता हूँ। परमात्मा, परमात्मा। Bye.
जी, मैं एक परदेसी हूँ। परदेसी? तो अपनी राना पो ऊंट की तरह गर्दन उठाए यहाँ क्यों चले आए? रास्ता पूछने। सिर्फ इतना बता दो कि यहाँ से गांव कितने मील है? जितनी मील मैं चल के आई हूँ। कितने मील चल के आई हो? जितनी मील यहाँ से गांव है। ओ, समझ गया। अच्छा, यहाँ कोई होटल वोटल है? होटल है, वोटल नहीं है। ये भी समझा। तुम ये क्या कर रही हो? कपड़े सी रही हूँ। कपड़े सी रही हो? और क्या, इतनी मोटी मोटी आंखें लिए फिरते हो, दिखता नहीं मैं क्या कर रही हूँ। ये लो और दो अन्नी लाओ। दो अन्नी क्यों? मोटर चलाते हो, अकल नहीं चलाते? फूल यहाँ लगाओ और मेरे हाथ पे दोनी रख दो। अभी देता हूँ। निकालो जल्दी। ये लो 5 रुपए और 4 रुपए 14 आने वापस करो। अरे जंगल में छुट्टा कौन देगा तुम्हें? फिर? अच्छा अच्छा ठहरो, रुपए के 8 बटन और 5 रुपए के हुए 5 × 8। टोकरी ही रख लो मोटर में, मुझे बाबा की दवा लानी है। पहाड़ों की गोद में कितनी शांति है बखुदा जी। गुरुदेव, अस्त होता हुआ सूरज संसार वालों से ये कहकर पाताल की ओर चल देता है कि अब तुम सो जाओ, और उदय होता हुआ सूरज पुकारता है सोने वाले जाग। जी गुरुदेव। चुनांचे बरखुरदार, अब से नियम बनाओ कि अस्त होते हुए सूरज के साथ तुम भी अस्त हो जाओगे और जागते हुए सूरज के साथ तुम जाग उठोगे। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। इन हरी भरी वादियों में हम बरखुरदार को प्राणायाम सिखाएंगे। जी प्राणायाम सिखाओ। प्राणायाम। प्राणायाम। फिर ए, किसे देख के ठंडी सांसें भर रहे हो जी? जी मैं तो गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ जी। मेरा नाम लच्छी है लच्छी, गुरु चेला दोनों की मरम्मत कर दूंगी। हाँ बाबा, मैं तो बरखुरदार को प्राणायाम सिखा रहा था। मैं कहती हूँ बात ठप कर दो यहीं। चलिए गुरुदेव, जब महाराज कुमार आ जाएंगे हम दोनों इकट्ठे प्राणायाम सीखेंगे। अभी शायरी काफी है। चलिए ठीक है, शाम को पहाड़ की वादी में चलेंगे, वहाँ एकांत होगा। गुरुदेव अगर इजाजत हो तो जरा दौड़ लगाओ। दौड़? जी वर्जिश हो जाएगी। जरूर जाओ बरखुरदार, हिरण की। तुम्हें बात करने की तमीज नहीं सिखाई किसी ने? मालूम होता है पागल खाने से छुटकर आए। जुबान संभाल के बात करो जी। मैं पूछ सकती हूँ यहाँ फिर कहाँ से आ गई है मेरे सर पे? अरे बोलो भी कुछ। बात यह है कि मैंने तुम्हें दूर से देखा और चला आया। क्यों? कल का गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ मेरा। जी चाहता है गला भेज के रख दूं तुम्हारा। इस तरह बात किया करते हैं लोगों से? और किस तरह बात किया करते हैं लोगों से? मुस्कुरा के जी कह के मीठे मीठे बोलों में जवाब दिया करते हैं। जवाब दे के बताओ। पूछो कुछ मुझसे। यहाँ? जी आ गए। कहाँ से आए हो? जी दिल्ली से। ठहरे कहाँ हो? जी हिमालय होटल कमरा नंबर 27। ओ, कुछ दिन रहोगे यहाँ? जी 4-6 महीने रहने का इरादा है। अच्छा अब तुम पूछो। क्या नाम है तुम्हारा? जी रत्ना।
शादी हो गई तुम्हारी? नहीं। सगाई? हाँ भी और नहीं भी, क्या मतलब? बाबा की तरफ से हो गई है, मेरी तरफ से नहीं। अच्छा, तो लड़का पसंद नहीं है तुम्हें? यही समझ लो। लेकिन तुम कौन होते हो हमारे घर के मामलों में धकल देने वाले? मैं तो सिर्फ बात करने का तरीका सिखा रहा हूँ तुम्हें। ओह, ये तो मैं भूल गई। एक बार वो फिर कह दो। क्यों? मजा आ गया। जाओ यहाँ से, वरना मैं फिर बदतमीज हो जाऊंगी। ओह, जाता हूँ जाता हूँ, मगर दूसरा सबक देने के लिए फिर कब आऊं? जाओ मैं कहती हूँ, और कभी यहाँ मत आना। ये मेरी जगह है जहां मैं रोज फूल चुनने आती हूँ। चंदू को ये बातें पसंद नहीं है तेरी। कौन सी बातें? यही उजले उजले कपड़े पहनना, बालों में फूल सजाना। फूल तो मैं सर पे इसलिए रखती हूँ बाबा कि फूलों की कमाई खाते हैं। कपड़े उजले न पहनू तो इस बटन की ध्वनि कौन देगा भला? इसी बात की तो चिढ़ है उसे। किस बात की? यही कि रत्ना फूल न बेचे। अरे वाह, फूल न बेचे तो खाए कहाँ से रत्ना? बाबा का इलाज कहाँ से कराए? उल्टी गंगा बह रही है इस घर में, लड़की कमाए और बाप खाए। मैं लड़की नहीं बाबा, लड़का हूँ। आज धंधे के बाद हम लोग कबड्डी खेल रहे हैं पड़ाव के मैदान में। कौन लोग? मैं, जमुना, तारा, बीना, शामू, रामी, लच्छी, पद्मा, सब लोग।
कबड्डी रे कबड्डी तो चलो तो मैं जानू एक नहीं सौ दो से हार मैं ना मानू धीरे से मरोड़ मुड़ जाए ना ये कंगना चौकी बैठा कमना खेल कबड्डी अंगना आज 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 एक मैं एक तू चौकी बैठा कमना खेल कबड्डी अंगना आज 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 एक मैं एक तू चौकी बैठा कमना खेल कबड्डी अंगना आ हा हा कमाल कर दिया मजा आ गया ओ दूरबीन वाले अरे दूरबीन नहीं कैमरा यानी कि चित्र घसीट यंत्र है बरखुरदार के हाथ में ये लोग बड़े बदमाश है चंदू दादा सुबह मुझे देख कर ठंडी सांसें भर रहे थे अब रत्ना को चाट रही है जो आंखें रत्ना की तरफ उठेंगी वो नोच ली जाएंगी ले लाठी उठा ले जवान कोई ये ना कहे कि निहत्ते परदेशी को चंदू ने ढेर कर दिया आप गलत समझ रहे हैं चुप रहिए गुरुदेव इस गांव में चार दिन रहना है तो सर उठाकर रहेंगे ताबेदार बनकर नहीं आ जाओ मैदान में बरखुरदार मर गया बरखुरदार जिसने चंदू की लाठी उठाई उसकी मौत आई नहीं रत्ना परम पिता परमात्मा नहीं हुई है रानी अभी तो शुरू हुई है लेकिन मैं इसे अच्छी तरह खत्म करके रहूंगा आइए गुरुदेव हट गए मुर्दे की तरह कर गया मैं तुम्हें कई बार समझा चुका हूं बरखुरदार ये छोटे आदमियों से बैर लेना ठीक नहीं होता मगर बुजदिल बनना भी तो ठीक नहीं है गुरुदेव अरे चंदू या उसके आदमी होंगे दूसरा कौन हो सकता है रख दीजिए साहब और कमरा खाली कर दीजिए आज शीशे टूटे हैं कल खिड़कियां टूटेगी परसों दरवाजा टूटेगा हमें नहीं चाहिए ऐसे ग्राहक गुरुदेव चुका दीजिए इसका बिल दे दीजिए साहब इस इलाके में रहते चंदू से दुश्मनी नहीं पाना चाहते हम हमारा बटुआ महाराज कुमार साहब के पास है वो आ जाए तो हम चुका देते हैं तुम्हारा बिल वही बात हुई ना तो चंदू कहता था सेंडो बेटा सेंडो मैं कहता हूँ हिम्मत है तो सामने आ क्या हुक्म है मालिक कमरे में ताला लगा दो बिल चुका दे और सामान ले जाए बेटा बेटा माफ करो बड़े भाव मैं तो महाराज कुमार की बाट देख रहा हूँ सड़क पे जाके बाट देखिए ना दूर से आते हुए नजर आएंगे महाराज कुमार साहब कोई है महाराज कुमार की आवाज कोई है
लाज रख ली महाराज कुमार साहब ने, वरना हम तो 72 रुपए 14 आने में गिर भी पड़े थे। क्या मतलब जी? लाख समझाया उस होटल के मालिक को कि महाराज कुमार साहब को आ जाने दो, हम तुम्हारा कौड़ी कौड़ी चुका देंगे, पर वो मानते ही नहीं थे। नहीं मानता जी? नहीं। कौन है वो उल्लू का अट्ठा? जी अट्ठा नहीं पट्टा है। अब पट्टा हो या कुछ हो, आज हम उसका होटल खरीद लेंगे। उसने हमारे इंसल्ट किए, हम बिगड़ गए हैं। कहाँ है वो होटल का मालिक? सरकार में हाजिर हो। किधर है? इधर है सरकार। तुम हो? इधर इधर सरकार। तुम हो तो ऊपर आके बराबरी में बात करो। कौन हो तुम? मैं उस होटल का मालिक हूँ सरकार। क्यों झूठ बोलते हो? इतने बड़े होटल का इतना सा मालिक? सरकार मैं 12 बच्चों का बाप हूँ। फिर झूठ? खैर, जब दीवान जी ने हमारा नाम लिया तो तुमने इंतजार क्यों नहीं किया? अन्नदाता मेरे शीशे में। चुप, बकवास नहीं। ये लो 1000 रुपया और नीचे उतर जाओ। थैंक यू मैं सरकार। हाँ, और याद रखो, आइंदा जो कभी दीवान जी की शान में गुस्ताखी की तो जबान खींच ली जाएगी, समझे? सुनो, हमारा पलंग भी उसी कमरे में लगाओ। जो हुकुम। और बिस्तर भी लगा दो। जो हुकुम। और एक बढ़िया सी आराम कुर्सी भी। जो हुकुम। और चाय लाओ फर्स्ट क्लास। जो हुकुम सरकार। और साथ में सिगरेट भी। जो हुकुम सरकार। जो हुकुम का बच्चा, 375 हुकुम कर चुके हैं लेकिन तुम वही के वही हो, एक का भी पालन नहीं किया। चलो जल्दी से चलो। बरखुरदार, प्राणायाम कर उठ के, सूरज उदय होने वाला है। क्या मुसीबत है यार, 3 इक्के थे मेरे हाथ में, सामने वाला पत्ते देख रहा था कि इस कमबख्त घड़ी ने किर किर शुरू कर दी। मालूम होता है किस्मत को सपने में भी जीत मंजूर नहीं है अपनी। यार बद्री, तूने सच्चा तूने कहा था कि शहरी चांद मटियाला होता है और गांव का चांद निखरा। अच्छा, तो गगन की सैर कर ली आपने यहाँ आकर। मगर ये जो श्रीमान पीएसजी गुरुदेव है ना, कौन वो मोटूमल नाम मत ले यार। सुबह सुबह यार पूरे 12 मन का पत्थर बन के मेरे अरमान भरे दिल पे बैठ के। अच्छा, सूरज ढलता है तो सो जाओ, निकलता है तो प्राणायाम करो। यार बद्री, एक वक्त चोरी की मुलाकातों का और दूसरा सुहाने सपने देखने का, दोनों वक्त हराम कर दिए हैं इस चीड़ी मार ने। मगर वो है कहाँ महाराज? और कहाँ होंगे, आराम कुर्सी पर आंखें बंद किए मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तो फिर लड़ाऊं तरकीब? कैसे तरकीब? अरे मेंढक को जुकाम हो जाए और तर्राना ही भूल जाए, ये लो नस्वार की डब्बी, थोड़ी सी यहाँ पर रखना, इससे पेशतर कि वो सांस बाहर फेंके तुम फूक मार के, समझ गए ना? बाकी मैं निपट लूंगा। कैपिटल। ओके। फिर बोली शुरू करो तो नागा नहीं पड़ना चाहिए बीच में। नागा नहीं पड़ेगा, प्राणायाम मैं करा दूंगा। कंबल। अच्छा,
तुम जाओ प्राणायाम करो, मैं यहाँ सोता हूँ। थैंक यू वेरी वेरी मच। सुनो, प्राण इतने ऊपर मत चढ़ा लेना कि मेरी आवाज भी सुनाई नहीं दे। अब क्यों रुकने लगा ये? दुनिया कहती है सांप इंसान का दुश्मन है, लेकिन मेरा तो सबसे बड़ा दोस्त निकला। हटो जी। अरे एक और है। कहाँ है? ये रहा। झूठा कहीं का? सच कहता हूँ रत्ना, उसका डसा हुआ तो बच जाता है, लेकिन इसका डसा हुआ पानी भी नहीं मांगता। हाय राम, बड़ी बेशर्म। मैं पूछती हूँ ये सब क्या हो रहा है? नाग देवता को धन्यवाद दे रहा हूँ जिन्होंने हम दोनों को इतना करीब कर दिया। बड़े ही 420 हो परदेसी। अजी मैंने कहा बात करो ना दीवान साहब। किसकी आवाज है? मेरे चचा की। हाँ? 3 बरस हो गए मरे हुए। तो आवाज कहाँ से आती है? स्वर्ग से। जब मुझे किसी लड़की से मोहब्बत हो जाती है ना, और उस लड़की का दिल हो खोखला, यानी उससे मुझसे मोहब्बत ना हो, तो चचा की आवाजें आया करती है। मैं फौरन समझ जाता हूँ कि गलत जगह दिल का सौदा कर रहा हूँ। दीवान मनोहर नाथ साहब। वो देखो फिर चचा ने पुकारा। और अगर चाचा झूठे हुए तो? झूठे? कभी झूठे नहीं हो सकते। अरे सच की दुनिया के रहने वाले हैं वो। वो झूठे हैं। हो ही नहीं सकता। मैं कहती हूँ वो झूठे हैं, बिल्कुल झूठे हैं। खा मेरी कसम। तुम्हारी कसम। अरे मैंने कहा हाँ ना भाई। अरे जा चचा जा, तुम झूठे हो, बिल्कुल झूठे हो। क्या कहा? मैं झूठा? तुम्हारी ये मजाल कि तुम मुझे झूठा कहो, और वो भी देहाती लकड़ी लड़की के सामने। महाराज कुमार साहब है मेरे परम मित्र, जो दूर बैठे हुए मेरे चचा का पाठ अदा कर रहे थे। धोखेबाज। आप हैं रत्ना देवी, सूरज की पहली किरण जिनके कदम छूती है, जिनके होठों को छूकर पहाड़ों में हवाएं चलती है। चुप रहो जी। अरे हाँ, समझ में नहीं आया ये कदम क्यों उधर चल पड़े, कदम उधर क्यों चल पड़े। लेकिन एक बात है मनोहर, इस चांद की दाद दी हमने। तुम्हारी कसम 3 इक्को से भी ज्यादा खूबसूरत है। तेरे की फिर 3 इक्को की बात। और नहीं तो फिर क्या अकेली दुग्गी की बात करूं जो पत्ता ही मार खा जाए। छोड़ मेरा। ये रंग बिरंगी फूल तुम्हारी तबीयत भी रंग बिरंगी करते जा रही। जब तक हाथ से ये टोकरी नहीं फेंकोगी, हमारे अपने अपने गीत गुनगुनाते हुए आते रहेंगे फूलों पर। मैंने आज ये फैसला कर दिया है, रत्ना फूल नहीं बेचेगी। ओ, ओ, बढ़ाया फैसला करने वाला। बाबा, क्या हुआ बाबा? वही जो हुआ करता है मुझ जैसे बदनसीब आदमियों के साथ। टांग बीमारी में चली गई, और बाजू होते हैं बेटे जो भगवान ने दिए नहीं, जिनके होते हुए दुनिया के हाथ झिझक कर उठते हैं। किसने हाथ उठाया है ये भी तो कहो ना बाबा। जो हमारे उजड़े घराने की रही सही इज्जत को उछालने आया था। कौन? चंदू। चंदू कहने लगा तुम्हारी बेटी बच्चलन है,
मैंने उसे परदेसी से बाग में प्यार करते देखा है। मैं अपाहिज हूं लेकिन बाप तो हूं तेरा। कौन बाप अपनी बेटी की बुराई सुनेगा। मैंने जूता उठा लिया, फिर जो उसके जी में आया उसने किया। दुनिया के सब धन झूठे होते हैं रत्ना, सच्चा धन होता है बेटे का, जिसकी साया में अपाहिज भी तन कर बैठते हैं। रत्ना, रत्ना कहाँ जा रही है? रत्ना, रत्ना तुम। ये बोतल बड़े ही भगवान हाथों ने बंद की हो। ये इधर बोतल खत्म हुई और इधर मस्ती ने दरवाजा खटखटाया। हाँ। ये किसकी शह पर इस तरह कमर बांध कर आई हो रानी? ये उस खून का बदला है जो मैंने अपने बुढ़े बाप के पास भी देखा है। दूर हो जाओ। उल्लू के पट्टे तमाशा देख रहे हैं मेरा। बजने वाले हैं, मोटू राम जाग उठे तो गीता पढ़ाने बैठ जाएंगे, अपने साथ घुमाने ले जाएंगे। अब मैं क्या करूं? वही नुस्खा चलाओ सवेरे वाला। इतने में मैं नींद की गोली ले आता हूं। एक गोली खिलाई के 12 घंटे की फुर्सत, जागे तो एक और टीका दी के फिर लमलेट। ठीक है, मिल जाएगा। चल 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 चल। मुझे क्या हो गया है? सेकंड अटैक, यानी कि बीमारी का दूसरा हमला। खिड़की बंद करो, रोशनदान बंद करो, दरवाजे बंद करो, पर्दे गिरा दो, छत गिरा दो। मैं अभी दवाई लेकर आया हूँ।
देसी को था, लग गया रत्ना को। आंखें तेरी चरने गई थी क्या? बोल 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 बोल। रत्ना मेरी बिटिया, क्या हुआ तुझे? जिस दिन तेरा सर फोड़ा है मैं उसकी पोटियां नोच लूंगा, मैं उसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। बिटिया क्या हुआ मेरी बिटिया को? चुप क्यों है मेरी बच्ची, बात क्यों नहीं करती मुझसे? रत्ना बिटिया आंखें खोलो बिटिया। घबराओ नहीं बाबा, अभी ठीक हो जाएगी। हमारे दीवान जी डॉक्टर को लेने गए हैं। उठाओ इसे अंदर ले चलो, उठाओ। डॉक्टर साहब कुछ तो बोलिए, कुछ तो बताइए। अगर इसने 36 घंटे निकाल लिए तो बच जाएगी। 36 घंटे? तो इसका मतलब ये कि आज की रात, कल का दिन और फिर कल की रात? जी हाँ, एक समझदार आदमी को भी यहाँ रहना होगा जो दो दो घंटे के बाद टेम्परेचर लेता रहे। इस हालत में बुखार बढ़ गया तो खतरनाक है। मैं यहाँ रहूंगा। डॉक्टर साहब होली की दावत हमारी तरफ से थी, इसलिए इनका इलाज भी हमारी तरफ से होगा। अगर आपने इनको एक हफ्ते में अच्छा कर दिया तो हम आपको 1000 रुपया देंगे। मैं कोशिश करूंगा, लेकिन मरीज को संभालना आप लोगों का काम है। अच्छी बात है, तुम इस मरीज को संभालो, मैं उस मरीज को संभालता हूँ। उसकी भी हालत बड़ी खराब है। बरखुरदार मनोहर किधर गया? ओ मनोहर, अरे बाहर मत जाना, अभी तक मारू हवा चल रही है। मारू? हाँ। मगर मनोहर कहाँ गया? रात भर आपके सिराने बैठा रहा, आपके फेफड़े बोल रहे थे। फेफड़े? हाँ। मगर कैसे? बिल्कुल बरसाती मेंढक की तरह, ट्रॉय 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 ट्रॉय। हाँ। बेचारे ने डॉक्टर को बुलवाया, दो दो घंटे के बाद टेम्परेचर देखा गया। टेम्परेचर? नहीं नहीं, टेम्परेचर। ओह, तभी वीकनेस मालूम हो रही है, कमजोरी यानी कि दुर्बलता। महाराज कुमार साहब जी, मैंने आप लोगों को बहुत तकलीफ दी है। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? काय की तकलीफ, दो दिन में इधर या उधर। ये लो गोली खाओ गोली। मगर मनोहर को नहीं देखा? मनोहर डॉक्टर को लाने गया है, सोते में एक्सरे लिए जाएंगे। एक्सरे? हाँ, बम्बई से पोर्टेबल मशीन मंगाई गई है। अरे गोली खाओ ना। मगर मुझे बीमार पड़े कितने दिन हो गए महाराज कुमार साहब? आपको बीमार पड़े जुमा जुमा 8 और 7, 15 दिन। 15 दिन? गोली खाओ गोली। अरे गोली। हाँ। ये लो पानी। अब बोल जाओ परमपिता परमात्मा। परमपिता परमात्मा। शाबाश। सो जा तकदीर के मारे, सो जा। मैंने आज तक किसी मंदिर की चौखट पर पांव नहीं रखा। जीवन के इतने लंबे सफर में एक पल के लिए भी तुम्हें याद नहीं किया, लेकिन दुनिया मूर्ति में भगवान समझकर तुम्हारी पूजा करती है, मन्नतें मानती है, चढ़ावा चढ़ाती है। आज एक नास्तिक तुम्हारे चरणों में अपने आंसू भेंट चढ़ाता है। मेरी पुकार सुन लो देवता, रत्ना को जीवन दे दो, रत्ना को जीवन दे दो, रत्ना को जीवन दे दो। बाबू बाबू, रत्ना होश में आ गई है। दुख की घड़ियां टल गई, टल गई। बाबू तुम कहां चले गए थे? भगवान के दरबार में रत्ना को लेने गया था बाबू। भगवान ने तुम्हारी सुन ली, तुम जीत गए बाबू। अरे चाहिए चाहिए चाहिए। एक बीए पास भर के लिए अच्छे घर की और सुंदर सुशील लड़की, जो अच्छा खाना पकाना, थोड़ा सा गाना बजाना, जो अच्छा खाना पकाना, थोड़ा सा गाना बजाना। अरे मिलना मिलाना, हंसना हंसाना, पति के घर को स्वर्ग बनाना, जानती हो। बकवास है। नहीं नाथ। आपको क्या तकलीफ है?
बकवास नहीं है स्वामीनाथ। स्वामीनाथ मर गए। स्वामीनाथ जो आप भगवान से मांगते थे मैं बिल्कुल वही हूँ। मगर मैं भगवान से कुछ नहीं मांग रहा था, मैं तो अखबार में इश्तिहार पढ़ रहा था। नहीं नहीं, आप अपने दिल की बात कह रहे थे। देखिए मैं अच्छे घराने की भी हूँ, सुंदर हूँ, सुशील भी हूँ, गाना बजाना, खाना पकाना, हंसना सारा सब जानती हूँ। क्यों गले पड़ती हो माई, तुमको पति चाहिए तो कहीं और ट्राई करो। मगर मैं तो आप ही को अपना पति मान चुकी हूँ। मान चुकी है? भागो बेटा बद्री। पति देव बचाओ, 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 बचाओ। अरे ठहरो 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 ठहरो, हमें मत बचाओ, हम पानी में डूब कर जान देने को। तुम ऐसा काय को करता है? एक लड़की हमारे पीछे लगा। कैसा मर्द है जो लड़की से भागता है? अरे बाबा लड़की नहीं, हम बीवी से भागता है। ओ तो वो तुम्हारा वाइफ है? वाइफ? अरे वाइफ नहीं, वाइफ बन के हमारा लाइफ खराब करने को मांगता है, लेकिन हम कुंवारा है और कुंवारे जाने को मांगता है। वेरी गुड और राइट, तुम बैठो, तुम बैठो, बैठो, अभी तुम्हारा भेजा ठीक कर देता है। अच्छा सबसे महंगी चीज मोहब्बत दुनिया के बाजार में, अच्छा है जो रहे कवारा क्या रखा है प्यार में। अरे सबसे महंगी चीज मोहब्बत दुनिया के बाजार में, अच्छा है जो रहे कवारा क्या रखा है प्यार में। शादी एक बरस का मेला, उसके बाद झमेला, बाबूजी बेचारे कुली, बीवी बच्चे ठेला। अरे ठे ठेला, ठे ठेला, ठेला, अरे ठेला, अरे ठे ठेला। शादी एक बरस का मेला, उसके बाद झमेला, बाबूजी बेचारे कुली, बीवी बच्चे ठेला। अरे शादी शादी का फिर रोग लगाना काहे को बेकार में, अच्छा है जो रहे कवारा क्या रखा है प्यार में। सबसे महंगी चीज मोहब्बत दुनिया के बाजार में, अच्छा है जो रहे कवारा क्या रखा है प्यार में। सलामत होटल वाले चूल्हा कौन जलाए, सुबह सवेरे सब्जी मंडी चक्कर कौन लगाए। रहे सलामत होटल वाले चूल्हा कौन जलाए, सुबह सवेरे सब्जी मंडी चक्कर कौन लगाए। अरे आजादी से रहना जब तक जीना है संसार में, अच्छा है जो रहे कवारा क्या रखा है प्यार में। सबसे महंगी चीज मोहब्बत दुनिया के बाजार में, अच्छा है जो रहे कवारा क्या रखा है प्यार में। घर में आज नहीं है आटा, खूब चलेगा बाटा। घर में आज नहीं है आटा, खूब चलेगा बाटा। कह गए बेटा जानी वाकर, अरे वाह जाने वाकर, वाह वाह। कह गए बेटा जानी वाकर, शादी एक घुलाटा। कौन रहे चपड़ासी बन कर बीवी के दरबार में, कौन रहे चपड़ासी बनकर बीवी के दरबार में, अच्छा है जो रहे गवारा क्या रखा है प्यार में।
सबसे महंगी चीज मोहब्बत दुनिया के बाजार में। अच्छा है जो रहे कमारा क्या रखा है प्यार में। सबसे महंगी चीज मोहब्बत दुनिया के बाजार में। अच्छा है जो रहे कमारा क्या रखा है प्यार 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 में। इस इलाके में इससे अच्छा होटल कहीं नहीं है। यहाँ बड़े बड़े लोग ठहरा करते हैं। आजकल एक महाराज कुमार साहब भी ठहरे हुए हैं। अरे ये किसकी आवाज़? ये महाराज कुमार साहब की। सखी सरवर गरीब परवर। दादा गुरुदेव का क्या हाल है? गुरुदेव बड़े आराम से सो रहे सरकार। अच्छा ये महाराज कुमार साहब। अरे महाराज के बच्चे ज्यादा कहाँ है? ये क्या बात करी थी? जबान संभाल के बात करो। हमें इस तरह की बेतकल्लुफी बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर हमें गुस्सा आ गया तो हो सकता है कि हम अपनी रियासत से तोप मंगा कर तुमको उड़ा दें। अरे तोप के बच्चे प्लीज मैडम प्लीज। किसकी शान में आप ऐसी बातें कर रही हैं? अजी आप नहीं जानते ये बद्री है बद्री मेरा पुराना किराएदार। 4 महीने का किराया इस पर है बाकी। अरे वाह ख्याल नहीं किया आपने। मुझे देखते ही उसका चेहरा फीका पड़ गया था। मैं समझ गया। मगर यहाँ का हवा पानी आपको बिल्कुल ठीक कर देगा। क्या हुआ रत्ना? लेट लेट के थक गई हूँ। थक गई हो तो आओ मेरे जानू पे सर रख लो। बड़े बेशर्म हो तुम। बाबा सुन ले तो। मैं अपनी आवाज उन तक पहुँचाना चाहता हूँ। क्यों? तुम तो बोल नहीं सकोगी। क्या बोलना है? यही कि हम दोनों में प्यार हो गया है। नहीं बाबा मैं झूठ नहीं बोलती। अच्छा तो ये झूठ है? बिल्कुल। और ये जो मैं इतनी लंबी लंबी रातें आंखों में निकाल रहा हूँ? तुम्हारा सर फूटेगा तो मैं भी रातें आंखों में निकाल दूंगी। कसम है तुम्हें दुआ करो कि मेरा सर जल्दी फूटे। बहुत अच्छा। हे परमात्मा इनका सर जल्दी फोड़ो कि मैं इनकी मेहरबानियों का बदला चुका सकूं। बस बस लेकिन मैं अपनी बीमारी को इतना लंबा कर दूंगा कि मौत के आने तक मैं बीमारी रहूं ताकि जिंदगी तुम्हारे बगैर उदास ना हो जाए। बड़ी लच्छेदार बातें करती हूँ। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कोई और बोल रहा है मेरे अंदर। हाँ तो उसे बाहर निकलवा दो ना। हमारे गांव में बड़े बड़े सयाने लोग हैं। देवी के मंत्र बोल बोल के अंदर वाले को बाहर निकाल देते हैं और जाने से पहले निशानी भी मांगते हैं उससे। क्यों चलाती हो रत्ना? बाबा क्या कर रही हो? क्या है बिटिया? भूख लग रही है इनको। रोटी तैयार हो रही है अभी लाता हूँ। बाबा कहते हैं जल्दी करो। अभी लाता। बीमारी में भी उतनी ही नटखट है। बाबा इनका दम निकला जा रहा है भूख के मारे। अरे ला रहा हूँ बिटिया। जी आप क्या तकलीफ कर रहे हैं? ये खिचड़ी खाओ बेटा रोटी अभी लाता हूँ। अब खिचड़ी खाओ। कहाँ जा रही हैं आप? अरे पर तुम पूछने वाले कौन होते हो? हम मुझे पैरे पर खड़ा कर गए। मालिक जब तक डॉक्टर को लेकर ना आए आप बाहर नहीं जा सकती। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर बाहर जाकर आपने लोगों को पत्थर मारने शुरू कर दिए तो सबसे पहले तो मैं तेरा सर फोड़ूंगी और फिर तेरे मालिक का और उसके बाद उस बद्री के बच्चे का जो राजकुमार बना फिरता है समझे? देखा डॉक्टर साहब ये हाल है इनका। 4-5 दिन से कुमार साहब गोलियां दे रहे हैं। जी क्या दे रहे हैं? गोलियां। अरे कौन कुमार साहब? कुमार साहब कुमार साहब। मैंने कहा कुमार साहब कमरे में नहीं है। अजी कुमार साहब कमरे में क्या? कुमार साहब तो दुनिया में नहीं है न थे न है न होंगे। क्या कहा? गुरुदेव बुरा ना मानिए जरा पागल औरत है। अरे पागल तुम हो जो मुझे पागल बनाते हो। मैं तुम सबको सजा दिलवाऊंगी। मेरे विचार में जिस वायु ने मेरे फेफड़ों पर असर किया है वही वायु इसके दिमाग को लग गई है। आप जो
परम पिता परमात्मा। डॉक्टर साहब ये सब मुझे पागल बना देंगे, आप जरा मेरे साथ आइए, मैं आपसे कुछ प्राइवेट बात करना चाहती हूँ। जरा आइए डॉक्टर साहब, हाँ जल्दी से आइए, आइए ना डॉक्टर साहब। अरे डॉक्टर साहब ये जो राजकुमार बना फिर, अरे डॉक्टर साहब आप वहाँ कहाँ जा रहे हैं, यहाँ आइए यहाँ। मैं ये कहना चाहती थी कि ये जो राजकुमार बना फिरता है ना, ये राजकुमार राजकुमार कुछ नहीं, ये बद्री है बद्री। अजी वो राजकुमार नहीं है बल्कि आपके पुराने किराएदार हैं। अरे साहब मैं तो इन्हें जमाने से जानता हूँ, संकेत पड़े हुए हैं मेरे। अरे तो आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं, इसमें मुस्कुराने की क्या बात है? अजी वैसे मुस्कुराने की तो कोई बात नहीं मैडम, लेकिन देखिए मैं ये सोच रहा था कि जमाने में कैसे कैसे आदमी है, आप बस यही सोच रहा था। ये क्या कर रहे हैं आप? आज जी मैं सुई लगा रहा हूँ अपने आप को। अरे अपने आप को सुई लगा रहे हैं तो बाहर जाके लगाइए, यहाँ क्यों लगा रहे हैं? अब मैं क्या संडो? ऐसे आई पुत्र है, बगैर इजाजत अंदर आना मना है। मैं आ नहीं रहा मैडम, मैं तो बाहर जा रहा हूँ। तुम लोगों ने पागल बना दिया है मुझे, माय गॉड। क्या हुक्म है डॉक्टर साहब? अरे भाई मेरे घर इन्हें संभाल लो, बहुत भिदक रही है ये। मैं कहती हूँ तुम लोगों को सजा मिलेगी डॉक्टर, इन लोगों के साथ तुम्हें भी सजा मिलेगी। अजी मैं सजा भुगत लूंगा, पहले अपना फर्ज तो पूरा कर लूं। डॉक्टर साहब आपने मेरी बच्ची को दूसरा जीवन दिया है, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ये लीजिए 1000 रुपया, आपकी नजर है, आपने इस अपाच बाप पर ही कर्म नहीं फरमाया बल्कि हम लोगों को भी शर्मसारी से बचाया है। ओ इसकी क्या जरूरत थी, ये तो मेरा फर्ज है। ओ दूर, थैंक यू। डॉक्टर साहब, ओ डॉक्टर साहब आप दूध पीते? हाँ अभी तक। शुक्रिया। मैंने पंचों को इसलिए बुलाया है कि वो रामू की जबान से मेरी माँ की वसीयत सुन ले। बोल रामू, क्या कहा था मेरी माँ ने? जब चाची मरी है तो अकेला मही था उसके पास, उसकी जबानी इतना मालूम हुआ कि रत्ना की माँ ने रत्ना को चाची की गोद में दे दिया था और हाथ जोड़कर विनती की थी कि जब वो बड़ी हो जाए तो चंदू से ब्याह देना। हाँ सुन लिया पंचो, अगर रत्ना की शादी और कहीं हो गई तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे गांव की बहू को कोई दूसरा उठा कर ले गया। अरे पर कौन है ये दूसरा? वही जो उनके घर में छावनी डाले पड़ा हुआ है। मैं पंचों से कह देता हूं मैंने भेड़ का दूध नहीं पिया, माँ का दूध पिया है। आज माँ का दूध याद आया है तुझे? तेरे नाक होती चंदू तो बीमारी खुद संभालता उसकी, बाप बेटी दोनों तेरे हाथों बिक जाते, पर तुझे बोतल से फुर्सत कहां? शराब ना पियूं तो खून के घूंट पीने पड़ते हैं ताऊ। क्या हुआ था उस दिन कबड्डी में मेरे आदमी लट संभाले तो रत्ना ने रोक दिया उन्हें, वरना वही ढेर हो जाता वो गोरा चिट्टा परदेसी जिसे नैनों का काजल बना रखा है रत्ना ने। अरे उस परदेसी ने 1000 के नोट रखे हैं डॉक्टर के हाथ में। है? तो फिर वो भी इतने बेमुरव्वत कैसे हो जाए कि मतलब निकलते ही आंखें फिरा ले उससे? बेमुरव्वती का सवाल नहीं है चौधरी, पैसे में बड़ी ताकत है। अच्छा तो देखता हूं मदारी की शह पर बंदर कब तक नाचता है। बाबा तुम्हारा ये गांव, इसके हरे भरे जंगल, हंसती गाती हुई नदियां इतनी सुंदर हैं कि जी चाहता है जीवन यहीं बिता दे। हाँ बेटा ऐसी ही जगहों में भगवान रहते हैं। चले बाबू। अरे कहाँ चले सवेरे सवेरे? जी डॉक्टर साहब ने कहा था कि सुबह की सैर इनके लिए बहुत ही जरूरी है, कहीं तो। हाँ बेटा तुम हुए, डॉक्टर साहब हुए, जिन्होंने इसको नया जीवन दिया है वही जाने। जाओ घूमाओ। आज हे मेरे भगवान, किस बिपदा में फंस गई हूं मैं यहां आकर। जब से आया हूं एक खत भी नहीं लिख सका राय बहादुर साहब को, आज ना जाने वो क्या सोचते होंगे। मैंने कहा आज कौन सी तारीख है देवी जी? 18 जुलाई। जुलाई नहीं जून। जून? जून कैसे हो सकता है जी, 2 जून को हम लोग यहाँ पहुँचे थे, 1.5 महीना बीमारी में निकल गए, हुआ ना 18 जुलाई।
जुलाई कैसे हो सकता है? जून में मैं यहाँ आई और मुझे यहाँ आए हुए सिर्फ दो दिन हुए हैं। अजी आप तो उस दिन यहाँ आई थी जब मेरी बीमारी को 15-16 दिन हो चुके थे। आज मुझे बीमार हुए 1.5 महीना हो गया है। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ मुझे यहाँ आए हुए 1 महीना हो गया है। जरूर हो गया है महीना, पर ये बात क्या है मेरी समझ में कुछ अजी नहीं आ। वही मारू हवा मेरे फेफड़ों पर असर हो गया है और आपके दिमाग पर। डॉक्टर! चिल्लाइए नहीं, जितना ज्यादा मुंह खुलेगा उतनी हवा फेफड़ों के अंदर जाएगी। आप फिर वहां बैठ गए। हजूर, मैं राय बहादुर साहब को चिट्ठी लिख रहा हूँ। राय बहादुर साहब को? क्या मैं पूछ सकता हूँ आपके राय बहादुर साहब किस टाइप के आदमी है? मेरा मतलब है कंजूस, मक्खी चूस या कुछ रईस तबीयत? अजी जनाब, वो खानदानी रईस है, करोड़ों रुपए के मालिक। करोड़ों रुपए के? जी हाँ। तो एक काम कीजिए, 10,000 रुपए के लिए और लिख दीजिए, हमारे खजानची का मनी ऑर्डर आते ही आपकी रकम वापस। जो हुक्म। हाँ, लिख डालिए। 10,000। ये अब आप थोड़ी सी हवा खा सकते हैं। खा सकता हूँ? हाँ। कोई नुकसान तो ना होगा? अरे नुकसान हुआ भी तो अब कैसे? डबल गोली। हाँ। अच्छा, देखो रत्ना, आज से तुम फूलों की सैर जरूर करोगी मगर बेचोगी नहीं। अरे वाह, बेचेंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से? 13 रुपये 14 आने पिछले दिन है बनिया। बनिया मांगने नहीं आएगा, उल्टा 10-20 रुपया तुम्हारे हाथ पे रख जाएगा जब डोली उठेगी। किसकी डोली उठेगी? तुम्हारी। जाएगी कहाँ? मेरे हाँ। ओहो, जान न पहचान और मैं तेरा मेहमान। मिलेगी, मोहब्बत भी हो गई, डोला भी उठ गया। 2-4-5-10 बच्चों का भी नाम गिना दो ना, तुम्हारा क्या जाता है? इसका मतलब ये है कि हम तुम्हें पसंद नहीं। आंखें पसंद है तो नाक पसंद नहीं, चेहरा पसंद है तो कान कुछ उल्टम पुल्टम से है। अच्छी बात है, थोड़े दिन और तपस्या करता हूँ, शायद दया आ जाए मेरे हाल पर। हाँ हाँ, करो करो तपस्या। सुनो, रोक ले बिंदु, गाड़ी रोक ले। तुम कहते हो कि हवा खोरी को गए, हम कहते हैं कि दोनों की घुट घुट के बातें हो रही हैं फूलों की आड़ में। देख लो, अपनी आंखों से देख। लक्ष्मी का वास शहरों में है लेकिन लाज की देवी का मंदिर गांव है। जिस दिन लाज उठ गई यहां से, जिंदगी सर पीट के रह जाएगी चौधरी। मुझे नीचे उतार दो और तुम लोग जाओ यहां से। चलो घर। नहीं बाबा, अब मुझे वहां देख के हजारों आंखें उठेंगी। क्यों? लोग कहेंगे लड़की तो ठीक हो गई है, अब परदेसी क्या करता है यहाँ। एक बात कहूं? हाँ? पट्टी बांध लेना सर पे। अच्छा? और अंदर चल के खटिया पर लेट जाना और दिन रात हाय हाय करते रहना। मैं तुम्हारे पास बैठी रहूंगी। रत्ना, तू घर जा, मुझे बाबू से कुछ बातें करनी। जा, मैं कहता हूं। बाबू, मुझ पे एहसान करके मेरी इज्जत से न खेलो। वो बच्ची है, अनजान है। इन मुस्कुराते हुए फूलों के पीछे क्या है उसकी आंखें नहीं देख सकती। वो आज को जिंदगी मान रही है, वो नहीं समझती कि जिंदगी को कल और परसों की भयानक करवटें भी बदलनी हैं। ये फूलों की सैर, ये लुक छुप के मिलना, आपस का मुस्कराना, तुम्हारे लिए दिल बहलावा है और उसके लिए मौत। बाबू, तुमने मुझ पर बड़ा एहसान किया है, एक एहसान और करते जाओ बाबू। मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूं बाबू। रत्ना को नई जिंदगी दी है तुमने, उस जिंदगी को बर्बाद न करो। मगर मैंने क्या कसूर किया है, क्या भूल हुई है मुझसे? तुम्हारी दुनिया और हमारी दुनिया में बहुत फर्क है बाबू। फिर वो लड़की है और दुनिया वालों की जबान बहुत लंबी है। ये न समझना बाबू कि बूढ़ा एहसान फरामोश है, कमीना है, ये समझ के माफ कर देना
कि मैं इकलौती बेटी का अपाहिज बाप हूं। प्रियवर राय बहादुर साहब नमस्ते। मैं आते ही मारू हवा का शिकार हो गया। आज डेढ़ महीने से बिस्तर पर पड़ा हूं। डेढ़ महीने से? मुश्किल से 15 दिन हुए यहां से गए। खत कब का लिखा हुआ है? 18 जुलाई। आज तो जून की 20 तारीख है। माजरा क्या है? ये क्या माजरा है गुरुदेव? मुझे महाराज कुमार साहब बिल्कुल बदरी दिखाई देते हैं। ये बीमारी का पहला स्टेज है देवी जी। दूसरे स्टेज में आपको दुनिया का हर इंसान बदरी दिखाई देगा और तीसरे स्टेज में आप खुद अपने आप को बदरी समझने लगेंगे। इस बीमारी का नाम है मेनिया, यानी कि आपको बद्री मेनिया हो गया है। श्री उदोदास MA PhD। अरे भाई मैं हूँ श्री उदोदास MA DHP, मेरा मतलब है PhD। अच्छा दीदी की आपके नाम 5,000 रूपए का बीमा है। ओ लो भाई लो। 5,000 रूपए? लो भाई लाई। मैंने कहा महाराज कुमार साहब 5,000 रूपए का बीमा आ गया है। आ गया ना? जी हाँ। लाइए ये जोखम भी मेरे ही पास रहने दीजिए। आपको 50 मरतबा कहा है कि हवा में मत बैठिए। ये लीजिए आखिरी गोली खाइए और सो जाइए। सो जाओ। चलो चलो जल्दी जल्दी जल्दी। क्या बद्री मेनिया की कोई दवाई नहीं है आपके पास? गुरुदेव जी ने कहा है कि मेनिया हो गया है मुझे। अरे बिल्कुल हो गया है, लेकिन उस पर भी यही गोली चलेगी। लो तुम पूरी बोतल ही रख लो, आंख खुली और एक गोली टिका ली, क्या समझी? तुम उदास न हो बरखुदार, मैं ठीक हो जाऊंगा। कितनी रातें आंखों में निकाल दी बेचारे ने, लेकिन दीवान जी आप तसल्ली रखिए, हम इनको बिल्कुल ठीक करके छोड़ेंगे। देखिए ना पहले से कितना आराम है। अरे सोते में उठ के भागा करते थे। हाँ पहले दिन 186 छींके। 186 से? हाँ, और दूसरे दिन तो हिचकी भी चालू हो गई थी, और तीसरे दिन हाथ पांव में लर्जा था, और चौथे दिन गुरुदेव आप तो बहकने लग गए थे। हाँ परम पिता परमात्मा। ये देवदास कहाँ चला गया? क्या बात है, किस सोच में हो देवदास? यहाँ से जी उठ गया है बद्री, अब कहीं और जाके इस पहाड़ और पहाड़ वालों को भूलना पड़ेगा। मालूम होता है सामने वाले खिलाड़ी ने डबल ब्लाइंड कर दिए। ये तुम्हारे पत्तों का खेल नहीं बद्री, दिल की बाजी है, इसमें जिंदगी दांव पे लग जाती है। मैं तो इतना जानता हूँ प्यारे कि चाल कितनी खराब हो खिलाड़ी अच्छा होना चाहिए। मैंने कई मरतबा दुग्गी तिग्गी और पंजे से दो दो इक्के भगा दिए। अफसोस तो ये है कि तुम बद्री के साथ में रहकर भी कुछ नहीं सीख सके। बद्री तू पत्तों के खेल का उस्ताद है, लेकिन मोहब्बत का खेल तूने अभी तक नहीं खेला। तो मतलब ये कि मात खा गए? हाँ बद्री चल कहीं और चले चले। कहाँ छोड़ के चला है तू ये फूलों भरे राहे मेरे देश की हवाएं परदेसिया। कहाँ छोड़ के चला है तू ये फूलों भरे राहे मेरे देश की हवाएं परदेसिया। जरा मुड़ के तो देख खोई खोई निगाहें मेरी ठंडी ठंडी आहें परदेसिया। हाय कहाँ छोड़ के चला है सैया। मान न मान मेरा दिल अनजान भुला दुनिया का प्यार तेरे प्यार में। सैया मान न मान मेरा दिल अनजान भुला दुनिया का प्यार तेरे।
भरी राहें मेरे देश की हवाएं परदेसिया कहाँ छोड़ के चला है। बस बुला लिया है। ओ, तो कहीं जा रहे थे? हाँ रत्ना, तुम्हारे बाबा ने मुझे अपनी इज्जत का वास्ता दिया है। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से बुढ़ापे में लोग उन पर उंगलियां उठाएं। मेरा यहाँ से चला जाना ही अच्छा है। तो चले जाते, वापस क्यों आ गए? तुमने बुलाया, आना ही पड़ा। मैंने बुलाया है? हाँ। इस धोखे में न रहना बाबू, मैं तो बाबा के कहने से यहाँ आई हूँ, उन्होंने बुलाया है तुम्हें। बाबा ने बुलाया है? क्यों? अजीब बदमाश लोग शहर से जादू गंडे बनवा लाते हैं, भोली भाली लड़कियों को घर वालों से लड़ाते हैं। आज पहली दफा बाबा के सामने बोल उठी हूँ मैं। सबब? सबब तुम हो, जब से तुम्हारा थोबड़ा देखा है ये हाल हो गया है मेरा। और मेरा क्या हाल है ये भी कभी पूछा तुमने? तुमसे मुझे क्या मतलब, मरो की जियो, मुझे तो अपनी जान से वास्ता है, चलो। मगर बाबा ने क्यों बुलाया? बुलाए नहीं, उनकी अकलौती बच्ची की जान मुसीबत में डाल दी है तुमने। लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है, ये तो मोहब्बत का सौदा है, मुझे हो गई तुम्हें हो गई। ओहो, सारी दुनिया छोड़ के तुम्हें से मोहब्बत होनी थी मुझे। चलो घर सीधी तरह, ये जो तुम जादू गंडे ले आए हो ना, बाबा के पास तोड़ है इनका, आज तुम्हारी अच्छी तरह झाड़ फूंक होगी, चलो। गए हैं बाबा। आ गए बाबू। रत्ना तू अंदर जा। जी इससे पहले कि आप कुछ कहें, मैं अपनी पोजीशन यानी कि आपका वहम दूर कर देना चाहता हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं, रत्ना भी गलत समझ रही है मुझे। तो जो कुछ रत्ना ने मुझे बताया है वो गलत है? बिल्कुल गलत। तो आए क्यों यहाँ, चले जाओ यहाँ से। मैं दिन भर इसकी जान को रोता रहा हूँ कि ये परदेसी बाबू न किसी के हुए है न होंगे। भगवान ने इनको आंखें दी हैं कि दूसरों का तमाशा देखा करे, दिल नहीं दिया कि दूसरों का दर्द महसूस करे। जी मगर मैं तो वो जादू गंडे की बात कर रहा हूँ। जादू गंडा कैसा? रत्ना कहती है ना। ए, क्या कहती हूँ मैं? तूने कहा था ना कि मैं शहर से जादू गंडा लेकर आया हूँ। बकवास है जी। बकवास है जी, तो खा खा बाबा की कसम, नहीं तो मैं बाबा की कसम खाता हूँ। मैं सच कहती हूँ बाबा, मैंने जो कुछ कहा है ठीक कहा है, मुझे तुम्हारी कसम। झूठी कसम खा रही है बाबा? झूठी कसम खा रही है जी। तो मैं फिर कहता हूँ, अगर मेरी बेटी झूठ बोल रही है तो तुम फौरन यहाँ से निकल जाओ। पर बाबा बात दरअसल एक ही है, जो मैं कहती हूँ वही ये कहते हैं जी। ओहो, तुमने मुझे किस चक्कर में डाल दिया है। देखो बाबू, इसने मुझसे ये कहा है कि तुम दोनों का आपस में प्रेम है, क्या ये बात झूठ है? जी नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक बात है बाबा। तो फिर तुम क्या कह रहे थे? मैं तो बड़ी शैतान है रत्ना, मुझसे कुछ कह दिया और आपसे कुछ समझा। बाबू सवेरे मेरी गैरत बोल रही थी और इस वक्त ममता बोल रही है, जो न जिल्लत से डरती है न बदनामी से। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी लड़की का हाथ तुम्हारे हाथ में दूं, आओ मैं तुम्हें मोहब्बत की समाधि दिखाता हूं। आओ।
बरसों पहले इसी तरह शहर से एक बाबू आया था। उसने भी एक लड़की के कान में मोहब्बत का यही बोल बोला था। भोली पहाड़न सच मान गई। जब तक जिंदा रही उसका इंतजार करती रही और मरने के बाद उसकी मिट्टी राह देख रही है। आज ये समाधि पहरेदार बनकर खड़ी है कि कोई पहाड़न किसी परदेसी से प्यार न करे। लेकिन बाबू, मैं रत्ना के आंसू नहीं देख सकता। मैं जानता हूं कि मेरा यहां रहना मुश्किल हो जाएगा, अपने पराए दुश्मन हो जाएंगे, लेकिन मैं रत्ना की खुशी के लिए सब कुछ बर्दाश्त करने को तैयार हूं। अब मेरी लाश तुम्हारे हाथ है बाबूजी। रत्ना, आओ बिटिया, आज तुम्हारा हाथ मैं अपने हाथों से बाबू के हाथ में देता हूं। मेरा आशीर्वाद है कि सूरज, चांद और तारे तुम दोनों को हमेशा हंसता हुआ देखें। चंदनिया नदियाँ बीच नहाए और शीतल जल में आग लगाए के चंदा देख देख मुस्काए हो रामा हो रामा हो। चंदनिया नदियाँ बीच नहाए और शीतल जल में आग लगाए के चंदा देख देख मुस्काए हो रामा हो रामा हो। पूछ रही है लहर लहर से कौन है ये मतवाली, पूछ रही है लहर लहर से कौन है ये मतवाली, तन की गोरी चंचल छोरी गेंदे की एक डाली। ओ चढ़ती धूप सुनहरा रंग आज बरसाए हो रामा हो रामा हो। चंदनिया नदियाँ बीच नहाए और शीतल जल में आग लगाए के चंदा देख देख मुस्काए हो रामा हो रामा हो। पर्वत पर्वत घूम के आई ये अलबेली धारा, ये अलबेली धारा क्या जाने किस आसमान से टूटा है ये तारा। ओ शोला बन के फूल कमल का जल में बहता जाए हो रामा हो रामा हो। चंदनिया नदियाँ बीच नहाए और शीतल जल में आग लगाए के चंदा देख देख मुस्काए हो रामा हो रामा हो। चंदनिया नदियाँ बींदा देख देख मुस्काए हो रामा हो रामा हो। क्या है? रत्ना कहाँ है? तुम कौन हो पूछने वाले? मैं कहता हूँ रत्ना कहाँ है? मैं कहता हूँ तुम कौन हो पूछने वाले? मुझे खबर मिली है कि रत्ना तारों की छाव में परदेशी के साथ आंख मिचौली खेलने गई है। एक और खबर देता हूँ तुझे, मैंने उसका हाथ बाबू के हाथ में दे दिया। मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा।
कुत्ता बहसते बहत क्या करेगा, भौंक भौंक के चुप हो जाएगा, बस ना मालूम हो जाएगा तुम्हें। चंदू ये भी सुन ले, कल सुबह 8 बजे उनकी शादी हो रही है। जानते हो ये सितारे कौन है? कौन का क्या मतलब, बिल्लौर के बेजान टुकड़े हैं? नहीं बाबू, ये आसमानी गवाह हैं। अच्छा? जब कोई निर्मोही किसी का दिल तोड़कर चला जाता है तो हजार जबानों से ये सितारे चिल्ला उठते हैं और अगले जन्म में वो आदमी पत्थर बन जाते हैं। बाप रे, तो ये तमाम पत्थर कभी इंसान थे? जरूर थे, अब अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। याद रखना बाबू, अगर तुमने भी ऐसा किया तो पत्थर बन जाओगे। अगर तुमने ऐसा किया तो? इन पहाड़ों की औरतें दिल तोड़ना नहीं जानती। अगर रत्ना बिक गई तो ये खून हर बाप के मुंह लग जाएगा और ये पहाड़ वो मंडी कहलाएगा जहां बेटियां खुल्लम खुल्ला बिका करेंगी। हर बेटी का बाप कुल्हाड़ा लेकर वहां पहुंच जाएगा और उस घर को गिरा देगा ताकि इस गांव में गांव की इज्जत बेचने वाले का नामो निशान तक बाकी न रहे। मीठी मीठी बातों में रात कट गई रत्ना, क्या जीवन भी कटेगा इसी तरह? कोई शक है? डरती हूँ, परदेसी और पंछी आज तक तो किसी के हुए नहीं। भरोसा नहीं मुझ पर? बिल्कुल नहीं। हाँ भरोसा है तो बाबा के आशीर्वाद पे। वहम न करो रत्ना, जाओ, दिन निकलने वाला है, वो दिन जब तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओ। क्या? मैं तो तुम्हारी हो चुकी हूँ, यूं कहो कि तुम मेरे हो जाओगी। अच्छा परदेसी, मेरी सखियां मेहंदी लेकर आती होंगी, अगर उन्होंने पूछा डोला कहाँ जाएगा तो क्या जवाब दो? बड़ी शान से गरज कर कहना कि दिल्ली के सबसे बड़े रईस राय बहादुर गोपालनाथ के यहाँ। राय बहादुर? गोपालनाथ। कहाँ चले बाबा से? मुबारक हो साहब, मुबारक हो। मुबारक हो, किस बात की? मुझे पुरोहित जी ने बताया है कि आपकी शादी हो रही है। आप बारात की दावत दें या न दें, लेकिन हम तो जबरदस्ती के मेहमान हैं। और मैंने बैंड बाजे का भी इंतजाम कर दिया है। सच? देने जा ही रहा था। अब तो जल्दी जाओ बाबा। अभी आया। बाप रे बाप, आज तुझे ठंड जान लेकर छोड़ेगी। 1000 रुपए की चाल। अजी राजकुमार साहब। ओ महाराज कुमार। हाँ देख ले दस्ता गुलाम बेगम। अरे बेगम का बच्चे, उठ उठ। क्या क्या है क्या? अरे 8 बजे के फेरे हैं। 8 बजे के फेरे? किस फेरे के फेर में हो प्यारे? क्या बताओ, बद्री मैदान मार लिया प्यारे। उठ, मुझे मुझे दूल्हा बना दे। दूल्हा बना दूं? शाबाश, तो जल्दी से तैयारी कर। मनोहरनाथ और दास कौन से कमरे में रहते हैं? महाराज कुमार साहब के कमरे में। कौन महाराज कुमार? सखी सरवर, गरीब परवर। मेरा बेटा मुफलिस नहीं जिसे किसी सखी सरवर या गरीब परवर की जरूरत हो। आपका शुभ नाम? राय बहादुर गोपालनाथ, मनोहरनाथ का बाप। हाँ, बड़ी खुशी की बात है। मास्टर बुल बंद शुरू करो। सुनाई दूल्हा राजा के पिता है। कौन दूल्हा? आपको इतला नहीं मिली? किस बात की इतला? आपके बेटे की शादी हो रही है। शादी? जी। कहाँ है वो? आइए मेरे साथ। अरे मुझे तो तूफान आता नजर आता है। ले जल्दी से बांध। किधर गया छेड़ा? ये क्या हो रहा है? राय बहादुर साहब, आप तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? यही तो महाराज कुमार है साहब, सखी सरवर, गरीब परवर। ये? जी। राजकुमार? जी। बुलाओ पुलिस को फौरन।
पुलिस लीजिए सरकार, एक गोली खा लीजिए। क्या बकते हो? देवी जी ने भी आते ही पुलिस को बुला लिया था, अब इन गोलियों से बिल्कुल आराम है, पुलिस का नाम तक नहीं लेती। Shut up, fool! ये चुना है बहादुर साहब की आवाज मालूम होती है। आप कहाँ हैं साहेब? मालूम हवा से बचकर बैठा हूँ जनाब, जरा रुक जाए तो आता हूँ। अच्छा तो मैं ही आता हूँ, खबरदार दी यहाँ से ही ले। राय बहादुर के हाथ में तो तीन इक्के हैं और हम लोग धुप्पल में लड़े हैं। यार बद्री, तू किसी तरह रत्ना के यहाँ खबर पहुंचा दे कि मैं आऊंगा जरूर, देर की परवाह न करे। चल 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 चल, इधर तो दरवाजा बंद है, तो इधर से जा। मर गए, इधर ही खड़े हैं, अब क्या करूं? ये क्या जुल्म कर रहे हैं आप? ये औरत कौन है? देवी जी, साक्षात देवी जी। भैया एक देवी आप संभाल बैठे हैं और दूसरी मेरे बेटे के बल्ले बांध रहे जी। मैं समझा नहीं आपके बात का मतलब। मैंने इसीलिए भेजा था आपको अपने बेटे के साथ। अजी डेढ़ महीने से बिस्तर पर पड़ा हूँ राय बहादुर साहब। सर फिर गया है आपका, 17 दिन हुए आपको दिल्ली से चले हुए, डेढ़ महीना बिस्तर में कैसे हो गया जी? 17 दिन? अरे तो फिर मुझे कह रोज हुई इस हिसाब से? बात घटा दो 17 में से देवी जी। मगर आप तो कहते थे। अजी मैं क्या जानूं, मुझे तो महाराज कुमार साहब ने बतलाया था जिन्होंने मेरा इलाज करवाया है। अब उसका इलाज मैं करता हूँ। बद्री, ए बद्री, बद्री कहाँ है? बद्री, बद्री चला गया। चला नहीं गया, तूने भगा दिया उसे। तो ये बद्री था राय बहादुर साहब? तो इसका मतलब है कि महाराज कुमार साहब महाराज कुमार नहीं थे? बदमाश था, उचक्का, उठाई गिरा। तो सर मेरा बिल कौन चुकाएगा सर? अजी 5,000 रुपए उसी के पास थे। किराया तो अलग रहा, वो तो मुझे गोलियां खिलाता रहा। सर मेरे बिल का क्या होगा सर? शट अप। अजी वो तो मेरा एक्सरे करवाता रहा। आपका एक्सरे तो मैं दिल्ली चल के करवाऊंगा, पहले बरखुर्दा से निपट लो। जाइए आप लोग। फिर चलो देवी। महाराज चौधरी, ये शादी यहाँ नहीं होगी। बारा पत्थर बाहर जाकर ठोंग रहे जाओ अपना। चला जा यहाँ से मूलचंद, तू जिसका पिट्ठू बनकर आया है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मूलचंद अकेला नहीं, सारा गांव है इसके साथ। बहस में क्या धरा है भाई, मकान गिरा दो ताकि घुटनों के बल चलने वाले बच्चों को बड़े होकर निशान तक न मिले इस मिट्टी का, जहाँ बैठकर बाप ने बेटी का सौदा किया है। बाबा लच्छी, तू क्यों मुंह कड़ा करने आई यहाँ? ले जाओ सबको यहाँ से, मैं कहता हूँ ले जाओ, जाओ। हाथों में कुलाड़ा लेकर मुझे विदा करने आए हो तो? लग गए वो जमाने प्यारी, जब लाल कपड़ों में लिपटी हुई शादी के लौटे निकला करती थी, अब दिल के सौदे होते हैं। बगावत, शर्म नहीं आती मेरे सामने बेहुदा बकवास करते हुए? शर्म इस बात पे आ रही है मुझे कि 8 बज चुके हैं और अभी तक मैं यही हूँ। तुम वहां नहीं जाओगे? मैं जरूर जाऊंगा डैडी, मेरी इज्जत को भाव में रोनते हुए, खानदान की पत उछालते हुए। अगर इस बात से खानदान की पत उछलती है तो मैं मजबूर हूँ। मनोहर, मैं उस दिल की धड़कने सुन रहा हूँ। मेरे सामने वो मासूम आके जो भटकती हुई नजरों से मुझे ढूंढ रही। खबरदार मनोहर, जमाने के साथ कदम उठाइए डैडी, वरना बहुत पीछे रह जाएंगे। ठहरो बाबू, वहां जाने से पहले हमसे निपटना होगा, अगर किस्मत साथ दे तो मंडप तक पहुंच जाना। तुम्हारे हाथ तो कबड्डी के दिन ही देख लिए थे। वो दिन और था और ये दिन और है। इस दिन भी देख लिया था, आज भी देख लेता। इजाजत है मंडप
पेट में जाने की? हाँ जाओ। तुम मेरे होते हुए मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। उसने कोई पाप नहीं किया। शादी से पहले रंग रलियां मनाने का मतलब? मतलब ये कि सौदा हो चुका था, रकम वसूल कर ली गई थी। नत्थू, बहुत ज्यादा मुंह खुलना शुरू हो गया है तुम्हारा। ये बातें कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। किसकी शय पर ये जरूरत हो गई है लड़की को जो हाथ उठा रही है लट्ठू पर? हाथ इसलिए भगवान ने दिए हैं कि गिरतों को उठाए और बेशर्म जलील कमीनों का मुंह तोड़कर रखे। लड़की, मुंह चल। ये सब क्या हो रहा है? कैसी लूटमार मचा रखी है? हम इसका जवाब चाहते हैं। महाराज कुमार साहब, आपके होते हुए गांव में अन्याय हो रहा है, रोकिए इन लोगों को। कौन है वो बदतमीज? लाइन में खड़ा कर दो, आज हम इंसाफ करेंगे। कि किसकी लाश पड़ी है रास्ते में? लाश? बेटा, ये तो बरखुरदार है। क्या हुआ? कैसे हुआ? किसने मारा है बरखुरदार को? ड्राइवर, गाड़ी घुमाओ। राय बहादुर साहब, पुलिस को चला देनी चाहिए फौरन। बरौर को उठा के गाड़ी में रखो। मैं कहता हूँ कि अच्छा होता पुलिस आ जाती मौके पर। मैं कहता हूँ जल्दी करो, लड़कों को गाड़ी में रखो। जैसी आपकी मर्जी। ड्राइवर दिल्ली। चोट ज्यादा खतरनाक नहीं है, ऐसा मालूम होता है कि इन्हें कोई बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। सदमा? लेकिन ये होश में क्यों नहीं आता डॉक्टर साहब? घबराइए नहीं, मैं अभी दवा भेज देता हूँ। परमात्मा ने चाहा तो जल्दी होश आ जाएगा।
परोई जाने दर्द ना कोई मेरे समझे को निशारे दिल चुप गया निकले तारे तेरी याद में दर्द के मारे रुक जाए ना ये दम घर आ जा रे बलम दिल रो रो तुझे पुकारे दिन छुप गया निकले तारे तेरी याद में दर्द के मारे रुक जाए ना ये दम घर आ जा रे बलम दिल रो रो तुझे पुकारे अगर मैं ममता के पल्लू से अंधी जवानी के आंसू न पोसता तो रात के सन्नाटे में बेशर्मी के राग न अलापती तू अब किसकी बाट देख रही है वो रेत के महल ढेर हो गए देखते देखते वो सपने टूट गए अल्हड़ जवानी के लेकिन जिद ने हार न मानी अब तक मोहब्बत कभी हार नहीं मानती बाबा मैंने प्रेम नहीं किया है तो क्या हुआ लैला मजनू का खेल तो कई बार देखा है ना तुम्हारे खेलों से हमारा जी भर गया है परदेसी तुम्हारा क्या गया पिस गई गरीब अपाहज की बेटी चले जाओ यहां से मैं कहता हूं चले जाओ माफ करो मेरी मासूम बच्ची को मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ महाराज ये कभी नहीं होगा जब तक के मेरा राम ना आ जाए ये लक्ष्मण सीता को जंगल में अकेली छोड़कर नहीं जाएगा मैं तो यही डेरा डाल के बैठूंगा वो तुलसीदास जी ने कहा है ना कि रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाई पर वचन ना जाई बस करो बाबू बस करो घर गया लाज गई बिरादरी गई गाँव गया अब आप दलील न करो मुझे मैंने फैसला कर लिया है फैसला कर लिया है ना? हाँ हाँ फैसला कर लिया है कि जो पहला आदमी आकर रत्ना का हाथ मांगेगा मैं लड़की उसी के हवाले कर दूंगा पहला आदमी कल भी मैं था आज भी मैं हूं बाबा आपने परदेसी की बातों में आकर अपने चंदू को ठुकरा दिया उसे पूनम का चांद समझकर इस झोंपड़ी के दिए को बुझा दिया मगर मैं आज भी आपका दास हूं इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना बाबा चंदू जाओ ब्याह की तैयारी करो बाबा बेटा दहेज में इस बूढ़े के आंसू और लगन में ये बदनसीब रत्ना ही तुम्हें मिलेगी घर द्वार तो रहा नहीं गांव की धर्मशाला में बारात ले आना धर्मशाला में क्यों लगन मेरे घर में होगा आपका चंदू गांव की सबसे बड़ी हवेली और 40 बीघे जमीन का मालिक आसपास के 200 गांव में मेरे नाम और शोहरत के झंडे गड़े हुए हैं झंडे गड़े हुए हैं और आसपास के सारे थानों में जो हुजूर के फोटो लटके हुए उनके बारे में क्या ख्याल है चंदू जी बाबा इस लुच्चे की बातों में आके रत्ना की जिंदगी बर्बाद मत कीजिए बड़ा आया रत्ना करम पत्र पढ़ने वाला निकल जा यहां से निकल जा नहीं तो खड़ा का खड़ा जमीन में गाड़ दूंगा देखो जी इतनी कड़क भाषा इस्तेमाल मत करो वरना मैं भी ईंट का जवाब पत्थर से देना शुरू कर दूंगा हाँ तू यूं नहीं मानेगा बंसी लल्लू रामू जरा इस महाराज कुमारी गर्दन की मालिश तो कर दो और भगा दो यहाँ से इसे गोपाल मोहन शंकर अपना कोई भी आया अरे बारिश के धुले में कपड़े इतने खराब हो जाएंगे बुरा ना मानना कभी कभी ऐसों के साथ ऐसा करना ही पड़ता है तो बात पक्की है ना हाँ बेटा मैं कहाँ हूं जहां तुम्हें होना चाहिए मैं ले आया हूं तुम्हें आप ये आपने क्या किया डैडी उस मासूम का तो ख्याल क्या होता जो हाथों में मेहंदी लगाए सुहाग का जोड़ा पहने मेरी राह देख रही होगी उस बूढ़े बाप का तो ख्याल क्या होता जिसके भरी बिरादरी में नाक कट गई होगी कहां जा रहे हो जहां मैंने अपना वादा गिरवी रखा है जहां लगन मंडप की अग्नि ठंडी हो रही है मेरे इंतजार में ठंडी होती है तो होने दो वरना वही आग मेरी इज्जत और आबरू के महल को जलाकर राख कर देगी तुम वहां नहीं जा सकते ये मेरा हुक्म है आपका हुक्म सर आंखों पर मेरा फर्ज मुझे पुकार रहा है मुझे वहां जाना ही होगा तो क्या तुम मेरे मुंह पर तमाचा मारकर जाओगे कितना बदनसीब है वो घर जहां श्रवण कुमार और राम की जगह तुम जैसे बेटे पैदा होते बेटा जाएगा बाप के नाम पर भट्टा लगाने सारी जात बराबरी में बदनाम करने
बदनाम करने नहीं, बदनामी का दाग धोने जा रहा हूँ। आप नहीं जानते गांव वाले शहरियों को कितना झूठा और बेवफा समझते हैं। मैं उन्हें समझा देना चाहता हूँ कि शहरों में भी वफा के फूल खिलते हैं, शहरों में भी इंसान बसते हैं। मरार, अगर तुम्हारी रगों में मेरा खून दौड़ा है तो इस चौखट से बाहर कदम रखने की कोशिश ना करना, वरना मैं ये समझूंगा कि तुम मेरे बेटे नहीं, मेरा खून नहीं। डैडी, राय बहादुर साहब, मैंने कहा जरा धीरज से काम लीजिए, ऐसा ना हो कि जवान बेटा हाथ से निकल जाए। रहने दीजिए उदासी, अच्छा दोस्ती का हक निभाया आपने, खूब निगरानी की मेरे बेटे की। अजी कसूर निगरानी का नहीं, जवानी का है। तो इस गुस्ताख जवानी को आप ही संभालिए, आप ही इस कमरे के बाहर पहरा दीजिए। मैं आपको अपनी दोस्ती और धर्म का वास्ता देता हूँ कि वो नालायक इस चौखट के बाहर कदम न रखे। परम पिता परमात्मा, गुरुदेव आए, गुरुदेव। क्या है बरखुरदार? जरा दरवाजा खोलिए ना। दरवाजा खोलो, कहीं तुम छूमंतर हो गए तो? आप इत्मीनान रखिए, सिर्फ एक छोटी सी बात सुन लीजिए, एक बार अंदर आइए। क्यों, क्या है? यहाँ रोए रोए में आग लगी हुई है और आप पूछते हैं कि क्या है? गुरुदेव आप मेरी मदद कीजिए। बरखुरदार, तुम्हारी सहायता करना मैं अपना परम कर्तव्य समझता हूँ, मगर राय बहादुर साहब की गोली से डर। गोली से नहीं, भगवान से डरिए गुरुदेव। डैडी के दिमाग पर तो दौलत और खानदान का नशा छाया हुआ है, मगर आपके हृदय में दया, धर्म है, न्याय है, प्रेम है। क्या आप ये चाहते हैं कि आपके शिष्य की जिंदगी बर्बाद हो जाए? नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी ना होने दूंगा। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, चाहे राय बहादुर साहब मुझे तोप से उड़ा दें, अगर मुझे फांसी पर भी चलना पड़ा तो मैं दम साध दूंगा। पिंजरा खुला है, छूमंतर हो जाओ बरखुरदार, छूमंतर हो जाओ। हाँ नहीं 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 नहीं, तो फिर दरवाजे की चौखट लांग कर नहीं, तुम्हें खून की कसम और मुझे दोस्ती का वास्ता दे गए हैं। मोहब्बत में हर गुनाह जायज है, मगर कसम तोड़ना महापाप है, इसलिए अंदर ही अंदर छूमंतर हो जाओ। वो कैसे गुरुदेव? आओ मेरे साथ, बिल्ली ने शेर को सब कुछ सिखाया है मगर पेड़ पर चढ़ना नहीं सिखाया। खिड़की खुली है। समझ गया गुरुदेव। समझ गए तो हिम्मत करके उतर जाओ और दिखा दो दुनिया वालों को हमारे सिखाए हुए प्राणायाम की शक्ति। जय हो गुरुदेव। जय हो। कौन है? चोर, चोर, चोर। पत्री, तू यहाँ कैसे आ गया? अरे रत्ना की शादी चंदू के साथ में हो रही है, जल्दी से जा वरना कौवा बुलबुल को उड़ा ले जाएगा। चंदू, पत्री तू जरा डैडी को संभाल, मैं चला। अच्छा कहाँ है मेरा? मैं तो आप ही के सामने बाहर खड़ा आपकी आज्ञा का पालन कर रहा था। एक कसम है भगवान की, उसने इस चौखट के बाहर कदम नहीं रखा। खिड़की, खिड़की खुली है, शायद वहीं से भाग गया। खड़ा पकड़ो से जाने दे भाई। चोर, चोर, चोर। क्या हुआ? अरे वो क्या भाग रहे हैं? चोर, चोर, अरे मत दे, इधर गए, जल्दी भागो, जल्दी भागो, पकड़ो जाने ना पाए, जल्दी भागो, पकड़ो जाने ना पाए। पहचानने में गलती हो गई, कहिए मिराज कैसे हैं? बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई। अरे छोड़ मुझे मुलाकात के बच्चे। जी हाँ जी हाँ, अभी छोड़ता हूँ, इतनी जल्दी भी क्या है, कुछ अपनी कहिए, कुछ मेरी सुनिए। गल गई। अच्छा तो ये तेरे करतूत है, तूने उसे बनाया है? ठहर जा, अभी पुलिस को टेलीफोन करता हूँ, उसके साथ तुझे भी गिरफ्तार करवाता हूँ, अभी गिरफ्तार करवाता हूँ। हेलो, हेलो, पुलिस।
इंस्पेक्टर साहब, मैं राय बहादुर गोपालनाथ बोल रहा हूँ। कहिए क्या बात है राय बहादुर साहब? मेरा लड़का मनोहर घर से गाड़ी लेकर भाग गया है। जी हाँ भाग गया है। इस वक्त उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो कुछ करने बैठे, आप उसे फौरन गिरफ्तार कर लीजिए। आप घबराइए नहीं, मैं अभी इंतजाम किए देता हूँ। क्या ग्रे प्लेमत कन्वर्टेबल? पीछा करो उस गाड़ी का। सोच से कहना पड़ता है कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। हनुमान टीकरी के मोड़ पे गाड़ी खड्ड में गिर गई है। आप फौरन मौके पे पहुंच जाइए। क्या हुआ? क्या हुआ था? मनोहर एक्सीडेंट। एक्सीडेंट? जल्दी मेरी गाड़ी निकलवाइए। गाड़ी निकलवाइए। ड्राइवर कीजिए, गाड़ी का रंग वही था, शायद इसलिए धोखा हो गया। ये तो कोई और है, ये तो राय बहादुर साहब। अब भी होश में आइए, ये भी किसी के घर का उजाला होगा, लेकिन इसकी जगह ये लगाइए उदासी, ये लगाइए। ये सब क्या हुआ? घर की जगह मिट्टी का ढेर, या बाबा थे, रत्ना थे, कहाँ गए सब के सब? बहुत देर करके आए परदेसी, रत्ना की मांग में चंदू के नाम का सिंदूर भरा जा रहा है। लेकिन कहाँ, किस जगह? लच्छी मुझे ले चलो वहाँ। आओ मेरे साथ। पंडित जी अपना काम चालू रखो। छोड़ दो मुझे, रत्ना मेरी है, मैं इसकी शादी चंदू से हरगिज नहीं होने दूंगा। छोड़ दो। होगी और तेरी आंखों के सामने होगी। रामू बांध दो इसे आम के पेड़ के साथ, ताकि ये अपनी आंखों से मेरी शादी का तमाशा देखे। बांध दो। छोड़ दो मुझे। बाबा रत्ना की जिंदगी तबाह ना करो, ये शादी रोक दो। ये शादी नहीं रोक सकती, मैंने एक बार धोखा खाया है, हर बार धोखा नहीं खा सकता। बाबा भगवान के लिए अपनी मासूम बच्ची को जल्लाद के हवाले न कीजिए। चंदू आदमी नहीं भेड़िया है। इसने अपना रास्ता साफ करने के लिए मुझ पर खूनी हमला किया था। बाबा इसी वजह से मैं वक्त पर पहुंच ना सका। बंद करिए बकवास। अगर मैंने हमला किया होता तो आज तू यहां दिखाई ना देता।
इन शहर वालों को सफेद झूठ बोलना खूब आता है। अगर ये झूठा होता चंदू तो दोबारा यहाँ क्यों आता? जरूर इसमें कोई बात है। देखिए, बात वही है जो अभी मैंने कही है। मुझे सौगंध है भगवान की, चंदू और इसके आदमियों ने मुझे जख्मी कर दिया था। बाबा रत्ना को बचा लो, बाबा रत्ना को बचा लो। ये शादी नहीं बर्बादी है। बेशक ये शादी नहीं बर्बादी है, परदेशी की बातों में सच्चाई की बू आ रही है। रत्ना सारे गांव की बेटी है, ये शादी रोक दी जाए। तुम कौन होते हो शादी रोकने वाले? क्या तुम्हें पंच इसलिए माना है कि किसी के बसते हुए घर को जाड़ दो? एक अनजान परदेशी के लिए सारे गांव की इज्जत को मिट्टी में मिला दो। पंडित जी फेरे फिराओ, जल्दी करो। पंडित जी पुण्य के साथ पाप को न बांधो, यह ब्याह कभी नहीं हो सकता। ये ब्याह जरूर होगा। जबरदस्ती? बाप राजी, बेटी राजी, गांव वाले राजी, फिर जबरदस्ती कैसी? गांव वाला कोई राजी नहीं है। आप तुम्हारे सिवाय सब राजी हैं। इन सब से पूछ कर देख लो। भाइयों कहते क्यों नहीं? ये शादी नहीं पाप है, अन्याय है। तुम ठीक कहते हो चौधरी, ये शादी नहीं होनी चाहिए। ये ब्याह होगा और जरूर होगा। रामू बंसी मुरली आ जाओ मैदान। चंदू क्या तू चाहता है कि लगन मंडप रणभूमि बन जाए? लेकिन याद रख, इस जबरदस्ती का अंजाम अच्छा ना होगा। तू बिरादरी से दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया जाएगा। चलो भाइयों, इस नरक में सांस लेना भी पाप है। अरे जाओ जाओ। चौधरी जाने दो इन्हें, मुझे इनकी परवाह नहीं। ये शादी इनके बगैर भी हो जाएगी। ये शादी नहीं होगी। बांध दो इसे पेड़ के साथ। आप देख परदेसी, आप देखना ये शादी कैसे होती है। पंडा जी जल्दी फेरे फिराओ, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। हाँ हाँ हाँ, लड़की कितनी खुश दिखाई देती है। शाबाश, जल्दी करो, उठो बेटा। अच्छा जी अच्छा, उठो बेटी, उठो जी, उठो ना। हटा जो मेरी बहू बाहर लगाए। तुम कौन हो मुझे रोकने वाले? मेरे रास्ते में आए तो ढेर कर दूंगा। पिताजी और खुरदार, ये पेड़ से बंधे क्या देख रहे हो? क्या इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें प्राणायाम सिखाया था? प्राण रहे या जाए, इन गीदड़ों पर शेर की तरह टूट पड़ो। तुम्हारा गुरु तुम्हारे साथ है। पिताजी महाराज कुमार बद्री प्रसाद भी तुम्हारे साथ है। रायबहादुर गोपालनाथ भी तुम्हारे साथ है। डट जाओ मुकाबले में। रामो खबरदार, दूसरा आगे बढ़ा तो गोली मार दूंगा। एक का मुकाबला एक से होगा। हट जाओ सब लोग, हट जाओ। आओ, अभी आया। पीछे पीछे शाबाश बेटी। रत्ना जियो मेरे लाल, तूने मेरे प्राणायाम की लाज रख ली। शाबाश मेरा शाबाश। मुझे माफ कर दो भैया, लड़के का कोई कसूर नहीं। ये ठीक वक्त पर पहुंच जाता, लेकिन मैं ही इसके रास्ते की दीवार बन गया था। मैं ही इसे तुमसे छीन कर ले गया था और मैं इसे तुम्हारे हवाले करने आया हूं। राय बहादुर जी, आप बड़े लोग हैं और हम ठहरे गरीब देहाती। अमीरी और गरीबी का नाता कैसा? मैं अमीरी और गरीबी का मिलाप कराने आया हूं भैया। इधर आओ बेटे, आज से मनोहर तुम्हारा बेटा और रत्ना मेरी बेटी है। जीते रहो बेटा। स्वामीनाथ मर गए। ओ बद्री के बच्चे, मेरा किराया। कहे काम से? अबे महाराज कुमार के बच्चे, मेरा बिल।
अबे फिर कभी मिल वहां बद्री। अबे मेरे प्रिय बद्री के बच्चे स्वामीनाथ। ओ बद्री के बच्चे छुट्टी हो गई अपनी तो अपनी क्या सबकी हो गई।